इधर से आया एक बाइक सवार जिनको फायरिंग करते हुए राजेंद्र चौक की ओर ही चल रहे थे। मोटरसाइकिल पर कितने लोग सवार? दो आदमी। किधर से आ रहे थे? इधर वो पासवान चौक से। कितने राउंड फायरिंग हुई है यहाँ पे? 3 राउंड। फायरिंग करने के बाद यहाँ पे क्या किस तरीके की माहौल था? कुछ नहीं, शोरगुल हुआ, लोग आया यहाँ देख रख किया, थाना भी आया है, नगर थाना से पुलिस क्या। बिहार में एक तरफ जहां मुख्यमंत्री सुशासन राज और जनता राज की बात कर रहे हैं, वहीं लगातार होती आपराधिक घटनाएं सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रही हैं। सवाल ये कि क्या सिर्फ भाषण दे देने मात्र से व्यवस्था सुधर जाएंगी? सवाल ये कि क्या सरकार से बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था कंट्रोल नहीं हो रही है? सवाल ये कि क्या बिहार का प्रशासनिक तंत्र अपनी गलतियों से सबक नहीं लेता है? सवाल ये कि क्या इसे ही सुशासन राज और जनता का राज माना जाए? जहां जनता खौफ के साए में जीने को मजबूर है। ताजा मामला बाहर वाले बिहार के वैशाली से है, जहां देर रात हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के मरई रोड में बेगूसराय की तरह ही आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया। प्रशासन चैन की नींद सोता रहा और बेखौफ बाइक सवार अपराधियों ने 3 राउंड हवाई फायरिंग कर दी, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल कायम है। बताया जा रहा है कि पासवान चौक की ओर से बाइक सवार अज्ञात अपराधी फायरिंग करते हुए आए और सुभाष चौक की ओर निकल गए। हालांकि घटना के कारण का पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस आनंद फानंद में घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस को घटनास्थल से 3 खोखा भी बरामद हुआ है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी को खंगाल कर अपराधियों की पहचान करने में जुट गई है। जल्दी दहशत फैलाने वाले इन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इधर से आया एक बाइक सवार जिनको फायरिंग करते हुए राजेंद्र चौक की ओर ही चल रहे थे। मोटरसाइकिल पर कितने लोग सवार? 2 आदमी। किधर से आ रहे थे? इधर वो पासवान चौक से। कितने राउंड फायरिंग हुई है यहाँ पे? 3 राउंड। फायरिंग करने के बाद यहाँ पे क्या किस तरीके की माहौल था? कुछ नहीं, शोरगुल हुआ, लोग आया यहाँ देख रख किया, थाना भी आया है, नगर थाना से। पुलिस क्या बोली? पुलिस क्या बोली तो हम तो सुने नहीं। नाम बता दीजिए। क्या नाम है? विवेक कुमार चौहान। सूचना मिली थी कि यहाँ फायर कोई किया है जी, मोटरसाइकिल से आए थे, गोली वहाँ गिरा हुआ था जी, खोखा। और फिर कुछ देर के बाद ये लोग खोजे तो देख करके गए तो खोखा नहीं था, और फिर आए ना वहाँ और खोखा आगे में लोग को मिला तो गिरा के दोबारा ही दिया है खोखा। किसी को निशाना बनाया गया कि ऐसे ही रैंडम फायरिंग किया? अभी इसका अभी जांच चल रहा है, देखा जा रहा है, सीसीटीवी कैमरा देखा जा रहा है, कौन था कौन नहीं था इसका जांच किया जा रहा है। बहरहाल बिहार में सुशासन राज और जनता के राज के सरकारी स्लोगन के बीच अपराध फल फूल रहा है। प्रशासन मस्त है, सत्ता पर बैठे लोग अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं और बेखौफ अपराधी आपराधिक घटना को खुलेआम अंजाम दे रहा है। विपक्ष सत्ता से बेदखल होने पर सरकार को कोस रहा है, सरकार सफाई पर सफाई देने में व्यस्त है। प्रशासनिक तंत्र अपनी गलती से कुछ सीखने को तैयार नहीं है और बिहार में अपराधियों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। जनता खौफ के साए में जीने को मजबूर है, फिर भी आप कहते रहिए बिहार में बाहर है जनता का राज है। News 1 11 के लिए वैशाली से रंजीत कुमार के साथ सत्वत अब्बास की रिपोर्ट। News 1 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।